हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र एसडी क्लासेस में। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर थर्ड के बारे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको कॉस्ट एस्टिमेशन यानी लागत आकलन के चैप्टर थर्ड में कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था। आज का टॉपिक है आकलन विभाग के कार्य क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आकलन क्या होता है। चलिए हम देखेंगे, जैसा आप डिफिनेशन स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आकलन विभाग के कार्य। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है आपका टॉपिक, तो आकलन किसे बोलते हैं। अब यानी हम कहने का मतलब है, इस किसी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो सबसे पहले उसे अनुमान लगाना कि उस प्रोडक्ट को कितने प्राइस में बेचना है, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो, उपभोक्ता क्या है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होकर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, ठीक है। यही सब क्या होता है, उसका डिजाइनिंग किस प्रकार से किया जाए, उसका लागत किस प्रकार से बनाया जाए, ठीक है, कि उससे जो भी प्रोडक्ट बने उससे ज़्यादा से ज़्यादा मितव्ययी हो, ठीक है। और यही सब क्या होता है, यानी कहने का मतलब है, जो आकलन होता है वही विभाग के कार्य हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे कि बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आकलन विभाग एक पृथक रूप से योजना विभाग के अधीन कार्य करता है। यानी कहने का मतलब है, जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका कौन कार्य करता है, तो यो एक पृथक रूप से जो विभाग आकलन विभाग होता है वो सारा प्रोसेस देखता है। और वहीं पे जब छोटे पार्ट डिपार्टमेंट हो जाता है, यानी छोटे छोटे शहरों में या फिर छोटे छोटे गाँव में वही पार कार्य कर लेता है, तो कौन देखता है आपका, तो प्रबंधन देखता है। आगे देखेंगे, जबकि छोटे छोटे उद्योगों में आकलन का कार्य उत्पादन प्रबंधन के द्वारा संपन्न होती है, जो निम्नलिखित प्रकार से होती है, ठीक है। तो बड़े बड़े उद्योगों में क्या होता है, जैसे कारखाना हो गया, बड़ा बड़ा उद्योग हो गया, तो जो आकलन विभाग होते हैं इनके कार्य हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे छोटे छोटे कार्यों के लिए कौन करता है, तो आपका जो प्रबंधन होता है यानी मैनेजमेंट होता है, ये सभी प्रोसेस इसको देखता है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को निर्माण कर लिया गया तो उसका प्राइस किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी डिजाइन किस प्रकार से की जाएगी, ठीक है, जिससे क्या है कि हम मतलब कहने का मतलब उसका पदार्थ किस प्रकार से चुना जाएगा, इन सभी प्रोसेस को कहने का मतलब क्या है, आपका आकलन के अंतर्गत आ जाता है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के दिखाए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, फर्स्ट चार टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, बाजार में क्रय किए जाने वाले औजारों तथा उपकरणों की लागत ज्ञात करना। यानी प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें पदार्थ यानी रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी और टूल की भी आवश्यकता होगी, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, आपको उनके बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। कि अगर आपको अगर एक ही एग्जांपल ले लिया जाए, अगर एक कैंची का निर्माण किया जा रहा है, आप कैंची को पहले बाजार में सर्वेक्षण करेंगे कि कैंची कितने रुपए में बिक रही है, ठीक है, तब उनके उपभोक्ताओं के अनुसार उन्हें कितने रुपए में चाहिए, ये सभी साफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद उस प्रोडक्ट को यानी जो कैंची आपकी बनी है तब आपको मार्केट में बेचने की संभावना उपलब्ध हो सकती है। अब बाय द वे, आपकी कैंची कितने में बनाई गई, आपके 75 रुपये में कैंची बना दी गई और वहीं पे बाजार में क्या है आपका 50 रुपये में ही वो कैंची बिक रही है, तो क्या आपका 75 रुपये वाली कैंची कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना। तो यही सब प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका आकलन विभाग के कार्य हो जाते हैं। यानी सही रूप से सटीक जानकारी देना, तब उस प्रोडक्ट का निर्माण करना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपका क्या कहता है, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सेकंड, उत्पाद के निर्माण सर्वाधिक मितव्ययी विधि ज्ञात करना। यानी कहने का मतलब है, जो प्रोडक्ट का निर्माण किया जाना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सरल रूप से होना चाहिए और मितव्ययी जिसे बोलते हैं, सरल रूप से कम खर्चे वाला होना चाहिए, ठीक है, आसान से बनने वाला, कम समय में बनने वाला प्रोडक्ट का चयन करना चाहिए, यानी प्रोसेस यानी विधि का चयन करना चाहिए, ठीक है। ये कौन करता है चयन, तो आपका आकलन विभाग करता है। वहीं पे अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में, अगर छोटी मोटी कंपनियां यानी कहने मतलब छोटे छोटे शहरों में या कस्बों में बनाया गया है, तो आपका कौन देखता है, ये प्रबंधन देखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मशीन की विधियों पदार्थ तथा उत्पादों की गुणवत्ता इत्यादि के संबंध में अन्य विभागों से संपर्क करना। यानी कहने का मतलब है, इस टॉपिक का कहने का मतलब है कि अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कई बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं तो जो आकलन विभाग होता है, ठीक है, उनसे संपर्क लिया कर लिया जाए, जिससे क्या होता है कि अगर
बाय द वे, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है तो वहां पे कुछ ब्याज के दर पर उस मशीन को लिया जा सकता है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल्स को खरीदा जा सकता है, जिससे जब आपकी फैक्ट्री चलने लगेगी, ठीक है, तो उस पैसों का भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उत्पाद गुणवत्ता, यानी कहने का मतलब है जो अन्य विभाग होते हैं उनसे संपर्क कर लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट कहता है कि उत्पाद की प्रस्तुत डिजाइन में किसी प्रकार की संशोधन के लिए डिजाइन विभाग की सहायता करना चाहिए। अब फैक्ट्री में किसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, पहले आप बनाए, आपने आपसे दिमाग मतलब कहने का मतलब विचार उत्पन्न कर लिया गया, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि उत्पन्न हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे जो अन्य विभाग हैं उनसे भी सहायता प्राप्त की जा सकती है कि इस प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, इसकी डिजाइन किस बेस से करें कि जिससे क्या हो, उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा इसे आकर्षित होकर इस प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इतने टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वे पे बात करें तो नेक्स्ट, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, नेक्स्ट कहता है छः पाँचों वाला टॉपिक कि भविष्य में संदर्भ के लिए आकलों के पूर्व रिकॉर्ड प्रस्तुत से ढंग से रखना। यानी कहने का मतलब है इसका प्रोसेस क्या है कि अगर रॉ मटेरियल्स आप 5 रुपये में लेके आए हैं तो उस 5 रुपये को ही फीड कर लें। बाय द वे, अगर आप दूसरा माल यानी कहने का मतलब दूसरे प्रोडक्ट दूसरी जगह से लेके आना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट को अगर आप 5 रुपये में खरीदे हैं तो दूसरी जगह भी उस प्रोडक्ट को 5 रुपये में ही खरीदे, और साथ में आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया तो आप प्रोडक्ट बनने वाला 30 रुपये में है तो उस प्रोडक्ट को भी 20 रुपये में ही बेचे, ठीक है। इससे क्या है कि आपका जो बाजार है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मांग क्या होती है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट कहता है कि उत्पाद के निर्माण प्रक्रिया में संचालन श्रमिकों की मजदूरी को दरों को ज्ञात करना, जो मजदूरी वगैरह हो गई, प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो उनकी श्रमिक हो गया, उसमें जो लगाए गए हैं उनकी मजदूरी होती है, उनको सही रूप से आकलन भी करना चाहिए, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को आकलन विभाग के कार्य क्या होते हैं एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। वही सारा प्रोसेस इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पे, तो आकलन के कार्य क्या होते हैं, अब आकलन के कार्य क्या होते हैं यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका कहता है कि किसी भी उद्योग में पूर्व डाटा तथा आंकिक गणनाओं के आधार पर आकलन किया जाता है। जब कोई भी पूर्व डाटा उपलब्ध नहीं हो तो प्रत्यक्ष पदार्थ लागत, प्रत्यक्ष श्रमिक लागत, अन्य पदार्थ खर्चों तथा उप रिसर्चों खर्चों हेतु जानने वाली गणनाओं सही अनुमान के आधार पर की जाती है। अब ये आकलन किसे कहते हैं, आकलन कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका बना है, ठीक है, पहले से बना है तो उनसे जितना रेटिंग है यानी जितना उसका प्राइस है, जितना मूल्य है, उन्हीं के बेस पे हम रख लेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना है, उस पर्पस से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है तो उस प्रोडक्ट को निर्माण करेंगे पहले, जो उसमें श्रमिक हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, मशीनरी खर्चा हो गया, इन सभी चीज़ों को जोड़ करके आपको 2 या 3% मुनाफा लेने के बाद उसे सभी चीज़ों को कहने का मतलब ऐड कर लिया जाता है, तब उस प्रोडक्ट का मूल्यांकन किया जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, आकलन कहते हैं, यानी कहने का मतलब है अनुमान लगाना जिसे बोलते हैं। माना कि इस कैंची का दाम कितना है, आपको 35 रुपये है, ठीक है। अगर वहीं पे पहले कोई कैंची कैंची बनी होती, ठीक है, पहले कोई कैंची बनी होती तो उसका मूल्य हमें पता होता, कन्फर्म पता होता कि ये कैंची इतने ही रुपए में प्राइस है, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको कैंची नहीं बनी है तो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये कैंची कितने रुपए में तैयार हुई है, उसे हम समथिंग में माना में लेके चलेंगे, लगभग में जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब जितने खर्च उसमें उत्पन्न हुए, मशीनरी हो गया, श्रमिक हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, इन सभी चीज़ों को ऐड करके उसका मूल्य रख देते हैं, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए जा सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक कि निर्मित किए जाने वाले अवयवों, बाजार से प्राप्त किए जाने वाले अवयवों को पृथक पृथक सूचियाँ तैयार करें। यानी कहने का मतलब है कि अगर बाजार सर्वेक्षण कर रहे हैं तो कई सारी दुकानों से,
कई सारे दुकानों से उनकी जो रेटिंग है, कैची की रेटिंग है, उनको सभी रूप से सही रूप से जानकारी प्राप्त करने के बाद एक सूची लिस्ट तैयार कर ले, जिससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट बिकने में, उसका मूल्य रखने में आसानी हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनों, औजार, उपकरणों की सूची तैयार करना। जो आपका मटेरियल्स यानी कहने का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो उसमें रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, मशीन कौन कौन सी यूज कर रहे हैं, उपकरण कौन कौन से यूज कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की लिस्ट बना लेना। जिससे क्या होता है कि आपको जो प्राइस रखने के संभावना मतलब रखी जाएगी, इससे क्या होता है कि किसमें कौन सा कितना खर्च आया है, ये आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें प्रत्यक्ष श्रमिक लागत में, अप्रत्यक्ष श्रमिक पदार्थ लागत में जोड़कर मुख्य लागत की गणना करती है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जो लागत लगती है, अप्रत्यक्ष रूप से जो लागत लगती है, इन सभी चीजों को जोड़कर उस प्रोडक्ट का लागत रखते हैं। अब नेक्स्ट बात करें यहीं पे, नेक्स्ट कहता है कि समय अध्ययन तथा कार्य अध्ययन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की मजदूरी की दरों पर ज्ञात करना होता है। यानी कहने का मतलब है, इन सभी प्रोसेस को देख कर, लिस्ट बनाकर उस प्रोडक्ट का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को आकलन विभाग के कार्य क्या होते हैं और आकलन के कार्य क्या होते हैं, इन दोनों टॉपिक के बारे में एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।